और सबने माँ की बात की थी, मैं कहता हूँ नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में वालदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए जल्दी से शादी करो और वालदैन बन जाओ। और मेरी नजर में बेहतरीन शौहर वो है जो शरीक हयात का काजल पहने ना दे और लिपस्टिक रहने ना दे। और नए बच्चे होते नहीं। अब मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है तेरी भाभी जो है ना बिजली है बिजली। मैंने कहा पता तो कर, दो दो घंटे के लिए कहाँ जाती है। अब आजकल के बच्चे इतने जीनियस हो गए मैडम, बच्चों से कह रही आसमान से एक परी आती है और आप लोगों को छोटे छोटे बहन भाई गिफ्ट करती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या कह रहा है, क्या ख्याल है इसको, सही बात बता दें। और टीचर बच्चों से कह रहा है समंदर में नींबू का दरख्त हो तो तुम नींबू कैसे तोड़ोगे। बच्चा कह रहा है चिड़िया बन गए। टीचर कह रहा है इंसान को चिड़िया तेरी माँ बनाएगी। बच्चा कह रहा है तो समंदर में दरख्त तेरा बाप लगाएगा। बच्चे बड़े तेज हो गए। मैंने छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है। कहने लगा अब्बू। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। ये मेरा भाई शादीशुदा आदमी है, इसका घर में यह हाल है जिस दिन इसकी बीवी उसको न मारे उस दिन पूछता है, जानो नाराज होते हैं। एक बाबा के पास गया, बाबा कह रहे मांग जो मांगने मांग। कह रहे बाबा मुझे फिर से अनमैरिड कर दो। बाबा कह रहे बेटा मन्नत मांग जन्नत नामा। इसकी बीवी मैंने बोले मैंने इसकी बीवी बड़ी प्यारी है, इसकी बीवी इसको कह रही मैंने सुना चांद पर भी जिंदगी नहीं है, ये क्या कह रहा है मेरी तो जमीन पर भी नहीं है। ये तो भाई ने भी थोड़ी सेहत पकड़ ली। यकीन करें जब ये पैदा हुआ इतना दुबला इतना पतला था, इसकी अम्मी से पैपा की सारी क्लास लगा दी। मैंने बोला आगे बाहर क्यों नहीं लगवा देता 2 लाख रुपए। दो लाख रुपए कैसे रुपया सोच सोच के मेरे पीछे क्यों पड़ जाएंगे। भाई बहुत मशहूर आदमी है, नमक के पैकेट में इसकी तस्वीर होती है, नीचे लिखा होता है नमक हराम। जहाज पर बैठा है, आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। कह रहा है एक्सक्यूज मी मैं बर्तन नहीं धोऊंगा।